ऑडियो और म्यूजिक की बात करें तो JBL एक ऐसा नाम है जो सबसे ऊपर उभर कर आता है। पिछले 75 इयर्स से JBL ऑडियो और म्यूजिक के मामले में रूल करता है। हमें इतने बड़े प्रोडक्ट से लेकर मीडियम साइज से लेकर छोटे छोटे इन द पाम ऑफ आवर हैंड ऐसे प्रोडक्ट्स उन्होंने प्रोवाइड करे हैं। आज उनके मोस्ट सेलिंग वायरलेस ईयरफोन्स के बारे में आपको बताने वाला हूं, JBL ट्यून 230NC और ट्यून 130NC। वैसे आज स्पेशली हम बात करेंगे JBL ट्यून 230NC की। ये आपको स्टिक स्टाइल में देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपको बर्ड्स स्टाइल में चाहिए तो उसका छोटा भाई भी अवेलेबल है, वो भी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, आप जाके चेकआउट करिए। फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स पैकेजिंग इनकी हमेशा प्रीमियम रहती है, मैंने पिछले बार भी कुछ किया था, और देखते हैं आपको बॉक्स में यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ से ये आ गया है बाहर, आपको यहाँ पर एक छोटा सा और बॉक्स मिलता है, इसमें देखते हैं कि क्या कुछ है। आपको कुछ क्विक स्टार्ट गाइड, मैनुअल, वारंटी कार्ड वगैरह यहाँ पर है। उसके अलावा आपको एक बहुत ही कलरफुल टाइप सी केबल यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में आपको स्मॉल और लार्ज ईयर टिप्स भी दिया है। वैसे मीडियम ऑलरेडी बर्ड्स में लगा हुआ है, ये आप अपने ईयर की साइज के हिसाब से इनको यूज़ कर सकते हैं। और साथ में उसके अलावा ये है हमारा चार्जिंग केस, JBL की बड़ी ब्रांडिंग सामने है। यहाँ पर आपको उन्होंने इंडिकेटर्स भी दिया है, ये चार्जिंग इंडिकेटर पता चलता है कि इसमें कितना चार्ज हुआ है। पीछे आपको टाइप सी पोर्ट वगैरह मिलता है, और ये लाइट वेट इतना हैवी नहीं है, पॉलीकार्बोनेट आपको बिल्ट मिलता है, लेकिन उंगलियों के निशान यहाँ पर ज़्यादा नहीं पड़ते, तो थोड़ा सा उन्होंने ये चीज़ अच्छा किया है। और ये बड़ा अच्छे स्टाइल में पैकेजिंग है, इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं तो ये भी देखेंगे दोस्तों, काफ़ी लाइट वेट है। इन पर भी आपको LED लाइट्स देखने को मिलती है, और साथ में कर्व्ड है, तो कानों में पहनने के लिए जब आप उसको यूज़ करते हैं, जॉग वॉक करते हैं, भागते हैं, तो ग्रिप आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। और एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा, ये ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील नहीं होते। आपको IPX4 रेटिंग्स वगैरह मिलती है, तो पानी के छींटे उड़ जाए, पसीना आ जाए, तो उसको कुछ हद तक बचा सकता है। और हाथ में दोस्तों ये काफ़ी हल्के भी फील होते हैं, तो लाइट वेट भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है। इसमें रेंज और जो कनेक्टिविटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और साथ में लेटेंसी भी मुझे इसमें काफ़ी कम दिखाई दी। हमने एक वीडियो सॉन्ग प्ले किया, उसमें जो लिपसिंग था ना, वो टाइम टू टाइम था, काफ़ी मैचेबल था, मतलब आगे पीछे नहीं लगा मुझे, ये चीज़ मैंने नोटिस किया। और गूगल फास्ट पेयर का भी सपोर्ट है। इसका फायदा ये होता है कि इनकेस अगर आपने ब्लूटूथ ऑन भी नहीं किया अपने फ़ोन में, और अपने TWS को सिर्फ अपने चार्जिंग केस में लगाकर ओपन किया, वो ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन आपको शो कर देगा आपके फ़ोन में, और फिर आप डायरेक्टली वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑडियो की बात करें, 6mm के आपको इनमें जो वो ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, और ये JBL के प्योर बेस्ड साउंड टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार खाली 6mm के ड्राइवर्स क्यों दिया है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जैसे कि एप्पल और सैमसंग होते हैं कम मेगापिक्सल्स देके बढ़िया ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, वैसे कुछ यहाँ पर से नहीं। 6mm ड्राइवर्स के साथ उन्होंने जो ऑप्टिमाइजेशन किया है वो बहुत ही अच्छा है। पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, एक गाने में जब मैं सुन रहा था, किसी में ड्रम था, किसी में वायलिन था, उसको ऐसे सेपरेट किया, जब सुनते हैं ना काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है। वोकल्स मुझे काफ़ी क्लियर लगे, ज़्यादा हैवी नहीं थे तो सुनने में बढ़िया था, और बेस भी मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा। तो ओवरऑल जो ऑडियो एक्सपीरियंस है, जब आप गाने सुनते हैं, अगर इनकेस आप कोई डॉक्यूमेंट्री भी क्यों ना देख रहे हो, वहाँ पर एक्सपीरियंस इसमें काफ़ी अच्छा मिलेगा। बात करते हैं इसके सबसे बढ़िया फीचर की। आपको इनमें मिलता है एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन दोस्तों, बेसिकली अगर आप बाहर कहीं जाते हैं स्पेशली, या घर में भी कोई ऐसी जगह पर बैठे जहां पर बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है बैकग्राउंड के अंदर, तो वो एक्टिव होते ही आपके सारे बैकग्राउंड साउंड को वो किल करता है, और म्यूजिक वीडियो एक्सपीरियंस आपकी बढ़ा देता है। साथ में आपको इनमें क्वाड माइक्स मिलते हैं, बेसिकली एम्बिएंट अवेयर उसके थ्रू काम करेगा, जिसमें अगर आपको बाहर की आवाज भी सुनना है तो वो भी आप यहाँ पर सिंगल टैप पर जो वो कर सकेंगे। टॉक थ्रू भी आपको मिल जाता है, इसमें आपके कानों में ही आप ईयरफोन्स लगा कर रखिए, ये जैसे ही एक्टिवेट होता है, आप सामने वाला आपसे क्या बात कर रहा है क्लियरली आप उसकी यहाँ पर आवाज़ सुन सकते हैं बिना ईयरफोन्स को अपने कानों से निकाले। लेकिन इसमें जो ऐप फंक्शनैलिटी है वो एकदम टॉप नॉच है। आपको JBL हेडफोन करके ऐप मिलता है प्ले स्टोर में, जो कम्प्लीटली फ्री है, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमने TWS ईयरफोन्स देखे आज तक, हमने बहुत सारे अनबॉक्सिंग्स किए, लेकिन ऐप का जो फीचर और जो इंटरफेस है वो मुझे इसका सबसे बेस्ट लगा है। आप खुद देखिए इसका इंटरफेस कितना बढ़िया है। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे इसके इक्विलाइजर की। आपको वैसे तो अलग अलग प्रीसेट्स मिलते हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, बट आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कितने हाई कितने लो, जैसा आपको सूट करता है। ये मुझे काफी बढ़िया लगा था। वॉइस अवेयर, ये भी कमाल का फीचर है। अगर आपको आपकी आवाज को कंट्रोल करना है, सुनना है कि भाई आप जब भी कॉल पर जाते हैं या मीटिंग में बैठे हो, और अगर आपको कॉल कर रहे किसी को, तो आपकी आवाज कितनी लो माइल्ड हाई होनी चाहिए, वो आप वहां से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये भी कमाल का फीचर आपको मिलता है।
कंट्रोल जेस्चर्स का सपोर्ट मिलता है। बेसिकली आप अपने ईयरबड्स पर जो वो सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, प्रेस एंड होल्ड, ऐसे यहाँ पर फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इनको अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लेफ्ट में आपको सिंगल टैप पर क्या चाहिए, राइट में क्या चाहिए, डबल टैप पर, ट्रिपल टैप पर, वो ऐप के थ्रू आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगल टैप पर आप ANC और एम्बिएंट मोड के बीच में जो वो स्विच कर सकते हैं। अगर आपने डबल टैप किया तो वो टॉक थ्रू में चला जाएगा, तो बिना आपके फोन को छुए आप इन्हीं के थ्रू यहाँ पर सारा काम कर सकते हैं। अगर ट्रैक को स्किप करना है तो राइट वाले मैंने जैसे कि सेट किया, सिंगल टैप पर पॉज प्ले हो गया, स्किप करना है तो डबल टैप, प्रीवियस ट्रैक पर जाना है तो ट्रिपल टैप वगैरह। प्रेस एंड होल्ड किया तो गूगल असिस्टेंट, जो भी आपका नेटिव वॉइस असिस्टेंट है, वो एक्टिव हो जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारे चीजें आप ऐप के थ्रू अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। एक और बढ़िया चीज इसमें मुझे ये लगी कि अगर आपके बर्ड्स कहीं खो जाते हैं घर में, तो आप अपने बर्ड्स को अपने फोन के थ्रू इस ऐप के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। यानी कि ये ऐसे साउंड निकालेगा इसमें से पींग करके, वैसे भी साउंड काफी लाउड है इसका, तो पता ही चल जाता है कि हाँ इधर उधर मैंने रखा हूं। बट याद रहे, एक कान में लगाकर एक घुमाए तो ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें साउंड बहुत ज़्यादा आता है, आपके कैनाल डैमेज हो सकते हैं, तो उसको निकाल कर ढूंढिएगा तो बेहतर रहेगा। स्मार्ट ऑडियो वीडियो मोड एक और कमाल का फीचर आपको ऐप में मिलता है। ये अगर इन केस आपको सिर्फ म्यूजिक का एक्सपीरियंस लेना है, आप वो वाले ऑप्शन को ऑन कर लीजिए, वैसा आपको ये एक्सपीरियंस देगा साउंड के अंदर। और अगर आप वीडियो मोड पर जाते हैं, तो अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, यूट्यूब पर कोई वीडियोज देख रहे हैं, उसके हिसाब से ये ऑडियो को कस्टमाइज करता है। ये काफी प्रीमियम फीचर लगा है जो मैंने दूसरे किसी TWS में नहीं देखा था। बैटरी की बात करेंगे, इसमें आपको ओवरऑल 40 आवर्स का बैकअप मिलता है विद चार्जिंग केस। और अगर खाली ईयरबड्स की मैं बात करूं तो आपको 10 आवर्स का इनमें बैकअप मिलता है सिंगल चार्ज पर। याद रहे ये विदाउट ANC है। अगर आपने ANC एक्टिवेट करके इनका इस्तेमाल किया है तो 8 आवर्स आपको बैकअप मिलेगा सिंगल चार्ज पर, और साथ में 24 आवर्स आपको विद चार्जिंग केस के साथ बैकअप मिलेगा। उसी के साथ आपको स्पीड चार्जिंग भी दिया है, 10 मिनट्स अगर आपने चार्ज किया तो अप टू 2 आवर्स का आपको उसमें बैकअप मिल सकता है। फाइनली कॉलिंग की बात कर ले तो आपको इनमें कोर्ड माइक मिलता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। आपको क्रिस्प और क्लियर ऑडियो ये प्रोवाइड करता है थ्रू कॉलिंग। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से बात करें तो आपके पीछे अगर ज्यादा शोर है तो वो उसको कैंसिल करता है नॉइस को, और सामने वालों को आपकी आवाज क्लियर प्रोवाइड करता है। वैसे आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप अपनी वॉइस को भी कंट्रोल कर सकते हैं इसमें, लो, माइल्ड, हाई, जैसा आपको ठीक लगे, तो वो वाला भी फीचर आपको कॉलिंग के वक्त अगर एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। वैसे रियल टाइम एक्सपीरियंस मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ और सुना भी देता हूँ, आप जज करिए और बताइए कि इसका ऑडियो एक्सपीरियंस कॉलिंग के वक्त आपको कैसा लगा है। मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ हाँ क्लियर है, सराउंडिंग की तो नहीं था, इतनी नहीं आ रही है ना सराउंडिंग? नहीं, मैं अभी अंदर जा रहा हूँ ऑफिस में। आवाज क्लियर आ रही है? हाँ अभी क्लियर आ रही है, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है चलो। अब मेरे एक्सपीरियंस की बात करें, मेरे ओपिनियन की बात करें, जो हर वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो देखिए ऑनेस्टली इसके जो फीचर्स हैं मुझे अच्छे लगे, स्पेशली ऑडियो मुझे काफी बढ़िया लगा है। इसमें जो ऐप के जो इंटरफेस है वो काफी सिंपल और देखने में काफी अच्छा लगता है, और उसके अलावा बैटरी मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। प्राइस की बात करें तो ये वाला JBL Tune 230NC आपको 6000 पर मिलेगा, और ये वैसे स्टेम और स्टिक स्टाइल जैसे कि मैंने आपको बताया। और अगर आपको बर्ड्स स्टाइल में चाहिए तो JBL का Tune 130NC ये आपको 5000 रुपीस पर मिलेगा। देखिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर आपको अलग अलग प्राइस पर मिलेगा, वहां पर कम भी हो सकता है, उनकी वेबसाइट पर जो प्राइस आपको बताया उस प्राइस पर अवेलेबल है। बट दिवाली ऑफर्स भी है यहां पर, 15 सितंबर से ये शुरू है और ये 31 अक्टूबर तक रहेगा। इनके बीच में अगर आप अपने कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, मैं आपको स्क्रीन पर ये फोटोज दिखा रहा हूं, अलग अलग बैंक्स यहां पर एलिजिबल है, तो इनकी इफेक्टिव प्राइस यहां पर और भी कम हो सकती है। देखिए एक चीज मैं और भी ऐड करूंगा, JBL के जो ईयरफोन्स होते हैं इनकी प्राइस कभी ज्यादा भी रहती है, कभी कम भी रहती है, बट फीचर्स भी आपको उनमें वैसे ही मिलते हैं। जो एक्सपीरियंस मैंने यहां पर किया हूं वो आपको इस वीडियो में मैंने बता दिया। इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।